मेन विकेट थी मामूल आकबर इरफान नियाज़ी की, वो टाइम बाय टाइम हमें वो विकेट मिली है। कंपटीशन तो बिल्कुल कोई कोई भी नहीं है मेरा अर्शद आपका, बहुत अच्छी एक पार्टनरशिप है हम दोनों के बीच में, सकीब भाई हमारी टीम के साथ है, जिससे फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल ये होगा मेरे लिए, और कोशिश करूँगा कि अपने आप को प्रूव कर सकूँ कि वो जो मैंने वर्ल्ड कप में हमसे जो बॉलिंग नहीं हुई है, हम उस तरह के बॉलर नहीं, हमसे मच बेटर बॉलर हैं। बिल्कुल जो पहले बैटिंग कर रहा है वो जीत रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चेज नहीं हो सकता है। सो बॉलिंग मिडल में आके हमने जो जिस तरीके से जब हमने चाहा विकेट हमें मिली हैं, हम जो मेन विकेट थी मामूल आकबर इरफान नियाज़ी की, वो टाइम बाय टाइम हमें वो विकेट मिली है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैच मुश्किल होगा जिस तरीके से ही मामूल आकबर ने बैटिंग किया और जिस तरीके से इरफान नियाज़ी कर रहा था, तो जो मेन विकेट है वो हमें मिली है और हम गेम में वापस आए। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि जो सेकंड बैटिंग कर रहा है वो चेज़ नहीं कर रहा, मे बी ऐसा हो सकता है, शायद मैं गलत हूँ, कि अगर पहले जो टीम बॉलिंग करती है 50 ओवर या जितने भी ओवर करवाते हैं उसके बाद बैटिंग करना इतना आसान नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि इतनी लंबी बॉलिंग के बाद, इतनी लंबी फील्डिंग के बाद जब बैटिंग करेंगे तो उसके लिए लाइक आपको क्रीज में रहना पड़ेगा, तो आई थिंक ये फैक्टर आ सकता है। बेसिकली जब भी आपका कोई बैड पैच आता है उसके बाद देखना आप वहाँ से सीखते हो, सो मैटर करता है कि आपने जो आपका फेलियर आया उससे आपने कितना सीखा है। तो ऑब्वियसली हमारा बैड पैच आया था जो कि बुरी बॉलिंग हुई, जो एक्सपेक्टेशन थी सबकी वो नहीं हो सकी, और ऑब्वियसली हम खुद से भी डिसअपॉइंटेड थे कैसा ऐसा क्या हो रहा है, और उस जो भी चीज़ें लैक कर हो रही थी उसको मैंने कवर किया, उसको मैंने लाइक मेहनत किया, बॉलिंग किया, जिसके बाद आपने PSL में मेरी बॉलिंग देखी होगी, उसके बाद अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले मैच के अलावा मैं समझता हूँ कि पहले मैच में भी मैंने कोई बैड बॉलिंग नहीं की, हाँ वो बहुत अच्छा खेले, रन हुए मुझे, ऑब्वियसली जब आप खेलते हो तो जब कोई अच्छा खेलता है तो ऑब्वियसली आपको रन हो भी सकते हैं, तो उसके बाद सेकंड मैच में मैंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आज भी अच्छी अलहमदिल्ला हुई, लेकिन यह कि डे बाई डे सीख रहा हूँ, और सकीब भाई हमारे टीम के साथ है, जिस तरीके से मैं उनके साथ हर बात शेयर कर रहा हूँ, जिस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल ये होगा मेरे लिए, और जितने भी आने वाले जो भी मेरे असाइनमेंट्स होंगी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को प्रूव कर सकूँ कि वो जो जो मैंने वर्ल्ड कप में हमसे जो बॉलिंग नहीं हुई है, हम उस तरह के बॉलर नहीं, हमसे मच बेटर बॉलर हैं। जी कंपटीशन तो बिल्कुल कोई कोई भी नहीं है मेरा अर्शद आपका, ऑब्वियसली जब मैं उस शादाब मुझे वॉच कर रहा होता है, जब मुझे ऐसे लगता है कि उसे लगता है कि ये सामा की ये चीज़ मिसिंग हो रही है और मुझे आके रिमाइंडर देता है, और जब शादाब ऐसे कर रहा था और हम मैं उसको जाके रिमाइंडर देता हूँ, तो जो कि ये बहुत अच्छी एक पार्टनरशिप है हम दोनों के बीच में चल रही है, जब भी ऐसे उसको फील होता है कि सामा ये चीज़ तुम मिस कर रहे हो, और मुझे आके फ़ौरन आके बताता है और मैं उस पर इंप्लीमेंट करता हूँ, जो मैं जब शब्द आपको बताता हूँ वो भी एग्री करता है और वो इंप्लीमेंट करता है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है कि हम दोनों एक साथ खेल रहे हैं, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आज माशाल्लाह जिस तरह उसने बॉलिंग की है, हमें मैच में लाने वाला शादाब है, सो लास्ट मैच में जैसे मैंने बॉलिंग की थी, इस तरह की हमारी पार्टनरशिप चल रही है, जो कि हम एक दूसरे से सीख भी रहे हैं और एक दूसरे को बता भी रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उसके साथ। और रही बात पिचेस की, पिचेस तो आपको लग रहा होगा लाइक जिस तरीके की सबको पुट हो रही है तो ये तो बैटर्स की कह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ किसी हद तक आपको हेल्प भी मिलती है, जिस तरह लास्ट मैच में मुझे स्पिन मिल रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि जगह पे बॉलिंग करूँ, एज अ लेग स्पिनर जब आप जगह पे बॉलिंग करते हो तो आप किसी भी पिच पे खेलो तो आप डेंजरस बॉलर होते हो, तो कोशिश यही है कि जगह पर ज़्यादा बॉलिंग की जाए। कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, स्कोर को
नेशनल स्कोर देख के आपने 3 विकेट हासिल किए, स्कोर ज़्यादा है, इसको वनडे में तो ऑब्वियसली 6 की अविक बन जाती है, कैसे इसको ओवरकम करेंगे सर? लेग स्पिनर ऑलवेज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन, आई डोंट केयर कि मैंने 80 रन खाया, अगर मैं 4 विकेट ले रहा हूँ तो मैं जीता हूँ। सो इसके लिए मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास 4 स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी, ऑफ स्पिनर भी है, अगर हमने रन्स रोकने तो हम उनको लगवा सकते हैं। अगर हमें विकेट्स लेनी है और उसके विकेट्स लेने पर मुझे रन्स हो रहे हैं और मुझे विकेट्स मिल रही हैं तो आई एम हैप्पी, मुझे कोई छक्का मार के मुझे विकेट दे रहा है तो आई एम हैप्पी। सो समटाइम्स आपको आप विकेट के पीछे जाते हो, उसके पीछे उसके साथ आपको रन्स के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 20 रन दे के 5 विकेट लें। सो ये तो आप वो है कि आप लाइक किसी गेम में खेल रहे होगे तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है। आप निकाल के देख लें, लेग स्पिनर रन्स भी देगा और विकेट्स भी लेगा, और वो विकेट्स जो होती हैं ना वो विनिंग कॉज में आती हैं। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से इरफान अजीज सैयद था, मैंने उसकी विकेट ली, शादाब ने इमाम की विकेट्स ली, तो हमें रन्स भी हुए लेकिन हमने मेन विकेट लेके मैच में भी विन कर दिया, तो ऑब्वियसली ये तो चलता है।